75 सेंटीमीटर हाइट कितनी होती है अभी हम देखेंगे। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिए। किसको बदलना है? सेंटीमीटर को। मैं उस सिलेंडर के जरिए जिस यूनिट को बदलना है उसका एक का वैल्यू दूसरे यूनिट में कितना होता है, तो यह रहता है आपका 30.48 फिट। ठीक है, किस एक की जगह कितना लाना है 175, तो हम इस रिलेशन को क्या कर देंगे, 175 से गुणा कर देंगे। ए गुणा 175 कितना आ गया, 175 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर यहाँ भी ऊपर 175 आ गया, नीचे बटे में कितना है 30.48, ये फिट है तो फिट। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 175 भाग 30.48 कितना आ रहा है, 5.741 फिट आ रहा है। ठीक है, तो 5 फिट आगे इंच में बदलना है, तो इस पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है इसको हम 12 से गुणा कर देंगे, तो आपका इंच वैल्यू आ जाएगा कितना आ गया, 8.892 इंचेस। ठीक है, आसान है, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं।